बीपीएससी उनहत्तरवीं परीक्षा को लेकर देखिए बड़ा अपडेट सामने निकल के आया है। आयोग ने बड़ी जानकारी दी है। ऐसे में बताया जा रहा है कि बीपीएससी उनहत्तरवीं मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हो गया है। इसे अभ्यर्थी अब डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं परीक्षा की तारीख भी सामने आ चुकी है। मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को लेकर बड़ा अपडेट सामने निकल के आया है। ऐसे में अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में भाग लेना होगा और ऐसे में राज्य में सरकारी विभागों में ग्रुप ए और बी लेवल पर चयन की परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए कहीं ना कहीं कंबाइंड परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में बिहार में भी कहीं ना कहीं इसकी परीक्षा ली जाएगी और बीपीएससी ने करीब देखा जाए तो 69वीं मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड को जारी कर दिया है। इसे बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर अभ्यर्थी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें आपको कि www.bpsc.bih.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ऐसे में वही इस वेबसाइट पर क्लिक करते ही एडमिट कार्ड से संबंधित नोटिस का पीडीएफ खुल जाएगा। बीपीएससी 69वीं मुख्य परीक्षा का आयोजन जो है 3 जनवरी को किया जाएगा। दरअसल 3 जनवरी से परीक्षा की शुरुआत होगी। यह परीक्षा 6 जनवरी तक चलेगी। गुरुवार से कहीं न कहीं परीक्षार्थी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे में आयोग की वेबसाइट पर एडमिट कार्ड को अपलोड कर दिया गया है। वहीं परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वह एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख ले। ऐसे में इसके साथ ही एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट को भी निकाल लेना सही रहेगा। मालूम हो कि एडमिट कार्ड के बगैर परीक्षार्थियों को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा करना। ऐसे में देखा जाए तो बिना एडमिट कार्ड प्रवेश नहीं कर सकेंगे। वहीं एडमिट कार्ड की एक अतिरिक्त तो जो है कहीं ना कहीं प्रति लेकर परीक्षा में जाना है, क्योंकि देखा जाए तो इसे परीक्षा अवधि के दौरान वीक्षक को हस्ताक्षरित करने को लेकर कहीं ना कहीं बातें कही जाती है। ऐसे में करके सौंपना है। दूसरी ओर कहीं ना कहीं ऐच्छिक विषय की परीक्षा 20 जनवरी और 21 जनवरी को ली जाएगी। इसके लिए अलग से एडमिट कार्ड को जारी किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा को पास करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए परीक्षा के प्रवेश पत्र को आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करना बेहद जरूरी है। बता दें कि प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 30 सितंबर को किया गया था। इसके अलावा इसका रिजल्ट जो है जारी होने के बाद ही मुख्य परीक्षा का रजिस्ट्रेशन किया गया था। मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले परीक्षार्थी प्रवेश पत्र को डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसे में खबरें सामने निकल के आ रही है कि 69वीं का एडमिट कार्ड जारी हो गया है। जो भी अभ्यर्थी 69वीं में शामिल हुए थे वो मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। ऐसे में उनका मुख्य परीक्षा जो है जनवरी माह में होगा। लगातार जो भी अभ्यर्थी हैं वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले, उसकी एक प्रिंट कॉपी निकालकर सुरक्षित रख ले। ऐसे में एडमिट कार्ड के बिना परीक्षा देने पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं उनको प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।